हाय गाइस, इस वीडियो में आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा रियलिस्टिक ह्यूमन ईयर ड्रॉ करने का। सो शुरू से लेकर लास्ट की वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले हमें अपने रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग ईयर की आउटलाइन ड्रॉ करनी है, और आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हमें बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एच पेंसिल, आप चाहें तो 2H पेंसिल या HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद उसी लाइट पेंसिल से आपको पूरे ईयर में एक शेड कर देना है, मतलब एक ही लेयर करनी है शेडिंग की, कंप्लीट शेडिंग जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ करनी है। उसके बाद इस शेड को नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग कर दें। ब्लेंडिंग के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन बड यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर या ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग डार्केस्ट एरिया शेड करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले एरियाज ऐसे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल, आप चाहें तो 7B या 8B भी यूज़ कर सकते हैं डार्केस्ट एरिया शेड करने के लिए। डार्केस्ट एरिया शेड होने के बाद हमें ये देखना है कि शेडोज़ वगैरह कहाँ पे है। जैसे आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं शेडो डेप्थ दिख रही है काफ़ी। ये वाली पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 3B, आप ये चाहे तो 2B या 4B भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिड टोन्स पेंसिल जो होती हैं, बिल्कुल डार्क नहीं और बिल्कुल लाइट भी नहीं, वो वाली पेंसिल यूज़ करके आपको शेडो इफेक्ट और डेप्थ इफेक्ट दिखाना है इस तरह से। शेडिंग ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी है क्योंकि इसे भी बाद में हमने ब्लेंडिंग करनी है, तो ज़ोर से करेंगे तो ब्लेंडिंग नहीं हो पाती है। तो मिड टोन्स भी शेड होने के बाद फिर से हमें ब्लेंडिंग करनी है, लेकिन इस बार ब्लेंडिंग पूरे एयर पे नहीं करनी है, सिर्फ जो अभी हमने शेडिंग किया सिर्फ उसी पे, और शेडिंग की डायरेक्शन में ही ब्लेंडिंग करनी है। इस पर भी कम प्रेशर अप्लाई करना है और अच्छे से शेड्स को मिक्स कर देना पहले वाली लेयर के साथ इस तरह से। इसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी थोड़ा रियलिस्टिक टच आने लग गया। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद एक बार फिर से अपनी शेडिंग जो हमने की थी उसको थोड़ा करेक्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी ब्लेंडिंग करने से शेडिंग थोड़ी कम लाइट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ जो पहले शेडिंग की थी, उसे फिर से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ और आउटलाइन से एक बार फिर से बना लिया अगर मिट जाए वो। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, इरेजर का यूज़ करके आपको हाइलाइट्स ऐड करनी है। जैसे यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं वाइट वाइट एरियाज हैं, तो इसमें यहाँ पे मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने शेडोज़ ऐड किए हैं तो हाइलाइट्स ऐड करने बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं एयर में ही, बाकी पार्ट्स में भी अगर आप कहीं फोटोज़ में हाईलाइट्स दिखती है तो आप इरेजर या वाइट पेंसिल का यूज़ करके हाईलाइट ज़रूर ऐड करें। सो दैट्स इट, काफ़ी इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप ईयर ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे आपको शेडिंग करने में भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि और किस चीज़ों में मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।